प्रदेश की योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों के लिए निर्देश दे रही है। इसके साथ अधिकारियों के तबादले भी किए जा रहे हैं। वहीं अमेठी में लगातार हत्याओं से अमेठी सहमी हुई है। जहां पिछले एक महीने में आधा दर्जन हत्याओं से अमेठी की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है, जहां शुक्रवार को मुंशीगंज थाना क्षेत्र के दुलापुर में एक बच्चे की गला रेत कर निर्मम हत्या की गई, जिसके बाद आज शनिवार को संग्रामपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में अमेठी के कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है, जहां मूली और सब्जियों की तरह लोगों की हत्याएं हो रही हैं और 24 घंटे में दो हत्याएं अमेठी में हुई हैं, जो अमेठी की खाकी पर सवाल खड़ा करती है। आपको बता दें कि आज संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भावलपुर गांव में एक 18 वर्षीय दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और उसकी लाश उसके घर से चंद कदम की दूरी पर स्थित ईंट भट्टे के पास गेहूं के खेत में पाई गई। रविवार की सुबह मृतक के पिता महाराज दीन शौच के लिए गए थे, तभी गेहूं के खेत में पुत्र का शव पड़ा देखा। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। संग्रामपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के पिता महाराज दीन ने बताया कि उनका पुत्र रात 10 बजे तक घर में था, कब यहां आ गया उन्हें पता नहीं है। परिजनों के मुताबिक उनका लड़का सीधा साधा था। वहीं मृतक की भाभी ने बताया कि कल मेरे देवर का मोबाइल खो गया था और मैंने पूछा था कि भैया आपका मोबाइल खो गया और आप जान नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाभी, मैं नहीं जान पाया, जहां रामायण हो रही थी वहीं गया था, कहीं खो गया है। उसके बाद कहा कि भाभी खाना बन गया है, तो मैंने कहा कि हाँ भैया बन गया है, आप खा लीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कि भाभी आप खा लो, मैं अभी थोड़ी देर बाद खाऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ और अभी आऊंगा और मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है। लेकिन वह एक लड़की से बात करते थे और लड़की के भाई को शक हो गया था, तो लड़की के भाई ने 3 महीने पहले इनको धमकी देकर कहा था कि बात करना बंद कर दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तो मेरे देवर ने मुझसे कहा था कि भाभी लड़की का भाई जान गया है और मुझे बात करने से मना कर दिया है, तो मैंने उसे समझाया था कि भैया उससे बात मत किया करो और अब कैसे क्या हो गया मैं नहीं जानती। अमेठी से हंसराज सिंह की रिपोर्ट। आपको कौन लगता है? हमारा नाम महाराज दीन है, हमारा वो लड़का है जिसकी हत्या कर दी गई गोली मारकर। क्या चाहते हैं? उसको जांच हो सर, उसको सही जो मारा है उसको पकड़े, उसको सही सजा दे सर। हमारा नाम सुनीता है। मृतक की आप क्या लगती हैं? क्या लगती हैं जो मरे हैं की? हम उनकी भाभी हैं। क्या हुआ है, क्या मामला है पूरा? सर हम कल हमको सिर्फ इतना बताया सर, उनका मोबाइल हेरा गया था। उसने बोला कि हम बोले भैया अपने मोबाइल क्या हुई है, तो उसने बोला कि भाभी जहाँ यहाँ पर रामायण हो रहा था वहाँ पर बैठे थे, मेरा मोबाइल पता नहीं निकाल उठी। हमको भैया ऐसे मोबाइल मतलब जेब में निकाला है, आपको पता नहीं कि हाँ। तो आए घर पे बोले कि भाभी खाना उना बन गया, हमको यहाँ खाना बन गया भैया खाना खा लो। उसने बोला कि भाभी अच्छा बना लो, हम खाना खा लेंगे बाद में। हाँ तो अच्छा फिर हम बोले, तो उसने बोला कि क्या कहा थे कि हमारा अभी जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं। हमको क्या पता सर, मतलब कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। किसी के ऊपर कोई शक है? सर शक तो हमको किसी के ऊपर नहीं है। हत्या अमेठी में हुई है, आज यहाँ पर संग्रामपुर के दलित की हत्या हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? दोनों हत्याएं पृथक हैं। आज सवेरे संग्रामपुर थाना क्षेत्र में भावलपुर थाना क्षेत्र में यह सूचना सवेरे करीब 7 बजे प्राप्त हुई कि महाराज दीन के पुत्र जीत, जिनकी उम्र करीब 20 वर्ष है, उनका शव खेत में पड़ा हुआ है। रात्रि में जैसा कि मेरी बात हुई, वो खाना पीना खा के सो गए थे, इसलिए विवेचना का विषय है कि वो कब निकले और कब ये घटना कारित हुई। इनकी तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, यथाशीघ्र अनावरण कर लिया जाएगा, टीमें लगी हुई। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।